सिवांश एंटरप्राइजेस हमारे यहाँ हर प्रकार की बिस्लेरी की पानी की बोतलें उपलब्ध है। हमारा पता सूरज कुंड वार्ड क्रमांक 3 खंडवा। हमारे यहाँ शादी पार्टी के आर्डर भी लिए जाते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य देवे। वो भी चोरी में ना पिकअप भी। व्यापारी की धोखाधड़ी का हुआ पर्दाफाश। आम आदमी को किसान बताकर बेचा राज। आपको बता दे कि दोनों पक्ष जब मंडी में पहुंचे तो जमकर हुआ बवाल। दोनों पक्ष ने क्या कुछ कहा सुनिए। अरे घेव लाए ना संडे में तो थी नहीं ना वो तो शनिवार का था। शनिवार का था। चलो इनकी दुकान चलो आप पेपर से हो ना। चलो कौन सा पेपर था? चलो आप क्या बोलो तुअर गेची नाम संडे 20 क्विंटल वो मैंने बिल बना दिया। अरे एक मिनट रुको मैं बताऊँ क्या होता है। इनकी भी दुकान है वहाँ या जो भी है भाड़े पे चलाते हैं। माल लेके आते हैं रोज दुकान पे रोज माल बेचते हैं। इनने बेचा अब क्या होता है कि चिल्लर दुकान है तो थोक दुकान तो ये नहीं। 50-100 कस्टमर रोज आते हैं। 50-100 कस्टमर रोज बेचते हैं। बच्चों की कसम खा के बोल रही है बात तुमने बोली। चलो तुम बच्चों की कसम खा के बोल दो कि नहीं बोली हो। तुमने बोला कल 88,000 मेरे से ले लेने मना कर दिया। पैसे लेने के को तो बात ही नहीं है यार। तुमने क्या बोला कैसे दे दूंगा मैं पैसे? बोला 88,000 बीमे के मेरे से ले ले तो हराम का पैसा नहीं दूंगा। तुम मेरा मैसेज हटवाओ। नाम बताइए और क्या हुआ आपके साथ ये बताइए। राम बाहेती ग्राम सराय। मेरे को एक मैसेज आया संडे के दिन तो उस पर आया 154,320 रुपये की तुअर आपने अजय कुमार जैन को बेची है। कि मैंने उस व्यापारी को फ़ोन लगाया कि भैया मैंने तुअर आपको कब बेच दी तो लेकर आपके नाम का बिल हमने फाड़ दिया है। फिर मैं उनके पास आया बोले मंडी चले जाओ अपन कटवा देते हैं। मंडी में मैं 2-3 दिन से परेशान हूँ। आज कलेक्टर साहब के पास भी गया। कलेक्टर साहब ने अभी यहाँ पहुँचाया मेरे को विशाल जोशी करके। उन्होंने बोले आप आवेदन दे दो यहाँ और आप मंडी जाओ आपका निराकरण हो जाएगा। मंडी वाले ही मना कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? वो यही बोल रहे हैं कि भैया बोले हम क्या कर सकते हैं यार। बोले व्यापारी को बुलवाते हैं बोले माफ़ी मंगवा देते हैं। और क्या हुआ क्या था आपके साथ? मेरे साथ ये हुआ मेरे नंबर के ऊपर 20 कुंटल तुअर बेच दिए और जबकि मेरे पास कोई ज़मीन है ही नहीं। अब कल कोई आयकर विभाग से कोई नोटिस आएगा तो मैं तो फंस जाऊँगा ना। और पहले भी इन्होंने कहा कितनी गाड़ियाँ बेची मेरे नाम से। मैसेज पहली बार आया आपको? मैसेज ये आज पहली बार आया है। तुअर का आता है गेहूँ चने का ये गेहूँ वगैरह का नहीं आता है गेहूँ सोयाबीन का। अब काई काई की बोनियाँ करते हो तो इसे? तो मेरे पास खेती नहीं है तो बोनी का क्या करूँगा। तो फिर कैसे हुआ ये? अब इन्होंने करा उनसे पूछना। किस लोगों ने कराई है? किन्होंने करा है? ये अजय कुमार जैन व्यापारी। कहाँ के ये आप पहचानते हो उनको? हाँ यहाँ नदी के ऊपर ये माल लेते हैं। इन्होंने गोडाउन खोल रखा है किसानों का डायरेक्ट माल लेते हैं और दूसरे किसानों के नाम से बिल बना के ये जैसे मेरे नाम से बना दिया ऐसे बिल बना के ये फंसा रहा है लोगों को। पुराना लखन आनंद के सामने गोडाउन है। अच्छा वहाँ डायरेक्ट किसानों का माल ले लेते हैं सस्ते भाव में और फिर ये मंडी के बिल बनवा के और गाड़ियाँ पैक करवा देते हैं। मंडी बिल बना के देती है उनको? हाँ मंडी देती है ना बिल बना के जब तो गाड़ी जा रही है। किसी के नाम का भी बना देती मंडी बिल? किसी के नाम का भी है जैसे मेरे नाम का बना मंडी से बना है। अच्छा मैं कोई मंडी तो आई नहीं हूँ ना ये माल बेचने। और संडे में कौन सी मंडी खुली रहती है? और संडे में मेरे को पेमेंट हुआ संडे में मेरा बिल बना है। अब कलेक्टेड गए थे तो वहाँ क्या बातचीत हुई आपसे? मेरे को विशाल जोशी थे बोले आप दे दो। मैं खेड़े जी को बोले व्हाट्सअप कर रहा हूँ या आप मंडी चले जाओ आपका निराकरण हो जाएगा। यहाँ आया बैठा तो बोले हम क्या करें यार। बोले उससे माफ़ी मंगवा सकते हैं बस। कौन बोले ऐसा? अब ये साहब ने बोला खड़े क्या बोले? बोले माफ़ी मंगवा सकते हैं बोले निपटा लो आपसी का मामला है। बोले नाम बताइए आपका और कहाँ रहते हैं? राम बाहेती ग्राम सराय में रहता हूँ मैं। भैया हमारा पाटिल ब्रदर्स के नाम से अनाज का व्यापार है और हमारे यहाँ रोज चिल्लर हम लोग खरीदी करते हैं और चिल्लर खरीद के शाम को हम लोग मंडी में अनुगत्ता बना जो मंडी का रूल है उस हिसाब से अनुगत्ति बनवा लेते हैं। 3-4 दिन पहले ये तथाकथित जो भी भैया हैं ये प्रतिदिन हमारे यहाँ आते हैं माल लेके गाड़ी है उनकी और गाँव से शायद माल परचेस करते हैं या किसी का माल लेके आते हैं और हमारे यहाँ माल रेगुलर बेचते हैं। उस दिन भी हमारे आए थे हमारे इन्होंने गेहूँ बेचा और गेहूँ बेचने की हम लोगों ने जब शाम को लिस्ट बनाई तो गेहूँ की जगह गलती से बाय मिस्टेक हमसे तुअर लिखा गया और शाम को हमने मंडी में जाके अनुगत्या बनवा ली कि हमारे यहाँ ये तुअर आई थी और हमने ये फिर भैया ने जैसे इनको कोई मैसेज गया होगा फ़ोन पे जो मंडी का रूल है कि मंडी से मैसेज जाता है उनके पास मैसेज पहुँचा तो इनका तुरंत हमको फ़ोन आया कि भैया मेरी तुअर आपने लिख दी तो हमने यार गलती से लिखा गई है। और नेक्स्ट डे सुबह हमने 10 बजे जाके मंडी में जाके वो अनुगत्या कैंसिल करवा दी कि ये गलती से तुअर चढ़ गई गेहूँ की जगह
गेहूँ लेके आए थे लेकिन तुअर चढ़ गई, तो उन्होंने मंडी वालों ने सुबह उसको कैंसिल भी कर दी। नहीं बता रहे कि कल कोई भैंसबाजी भी हुई थी आपसे रात में? ऐसी कोई भैंसबाजी नहीं हुई, इनका इनके इन्होंने कोई भैया है इनके परिचित दिया थी, ये हमारे पास भेजे थे इन्होंने, तो उनको भी हमने ये समझाया कि भैया अगर बाय मिस्टेक इनके पास कोई मैसेज चला गया हमने कैंसिल करवा दिए, उनको हमने समझा भी दिया। नहीं उनका कहना ये था कि संडे के दिन का मामला और संडे बंद रहती मंडी। मंडी बंद होने या चालू होने से अनुगति से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऑनलाइन सिस्टम है, तो आजकल संडे वगैरह तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऑनलाइन बंद। कब का मामला ये एग्जैक्टली तो मुझे ध्यान नहीं, बाकी दो तीन दिन पहले की बात है, शनिवार या इतवार की बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज जैन है।